ऐसे लग रहा है कि था माड़ा मत्तर बंदा डिग जाएगा एक मिनट में। वेलकम बैक गाइस, तो स्वागत है। तैयार तुर हो गए हैं, अभी बैंकॉक में हॉस्टल में चेक इन कर लिया है, आपको मालूम ही है। तो अभी जा रहा हूँ मैं बाहर, तो अभी मैं जाऊँगा इस वक्त, आप जाएंगे मैं पीछे भी कार वाले कार एक रास्ते दे पे ले। तो फिलहाल तो मैं जा रहा हूँ यहाँ से वाट फाओ, उसके बाद जाऊँगा वाट अरुण। और यहाँ पे भाई तीन सबसे मतलब तीन बिल्डिंगें अच्छी हैं, एक बखाओ टावर बोलते हैं, मैं नाम लिख दूंगा, नाम मुझे भी नहीं पता, बोलते ऐसे ही हैं बखाओ टावर। और एक है रेड स्काई बार और एक है किंग पावर बिल्डिंग। तो पहली जो बिल्डिंग है बखाओ, उसको लगती है 600 वाट टॉप पे जाने के लिए, वो है 900 फीट 1000 के लगभग है। उसके बाद आ जाता है भाई रेड स्काई बार जो कि है 500-600 फीट पे है, तो वहाँ पे आपको टिकट नहीं लगती, वहाँ पे सिर्फ आपको ड्रिंक या खाने के लिए 310-320 डॉलर खर्चने पड़ेंगे, ठीक है। तो वो हो गया। और तीसरी है जो सबसे ऊंची है यहाँ पे, वो किंग पावर बिल्डिंग है, उसके लिए आपको 800 बार देने पड़ेंगे और वो 1030 फीट ऊंची है, तो वो काफ़ी ऊंची बिल्डिंग है। तो अब ये तीन में से मैंने एक करनी है भाई, तीनों में तो जाने से रहा, ठीक है, तीनों में तो मैं वैसे लगाने ही लगा। तो एक या फिर आप ऑप्शन है, जैसे मैं अभी वाट पाओ वाट अरुण जा रहा हूँ, वहाँ तो 100-100 ही बार लगेंगे, तो कुछ ज़्यादा नहीं है, ठीक है। पर लेकिन बात ये है, मेन जो चक्कर मेरे को पड़ रहा था कि ग्रैंड पैलेस जाऊँ कि टॉलेस्ट बिल्डिंग जाऊँ, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं टॉलेस्ट बिल्डिंग देखूँगा भाई। पता क्यों, मैं बिल्डिंग तीनों में से एक बिल्डिंग करूँगा, क्योंकि जो मेरा वो है ना, मैंने यार जितने भी टेंपल ही देखे हैं, सियाम रीप में भी टेंपल देखे हैं, तो सारे टेंपल देख देख के ना मैं तो गया आग कर। सही गल दसूँ, है नहीं ग्रैंड पैलेस है अलग है, दोनों चीज़ें ऑपोजिट है, वो बिल्डिंग है स्काई वॉक है, वो एक ग्रैंड पैलेस है, वो भी अपनी जगह ठीक है भाई, पर मेरे को नहीं देखना। मैं जाऊँगा तो आज बिल्डिंग पर जाऊँगा टॉप पर, साथ में टाइम लैप्स बनाऊँगा, और यही था। तो बाकी जाने के लिए आपको बता देता हूँ, आगे जाके मैं आज पानी वाली बोट लूँगा, उसे तो ट्रैफिक कम होता है, जल्दी जल्दी उतार भी देती है, ठीक है। तो मिलते हैं गाइस। तो मेरे पीछे जो है आप देख रहे हैं इधरली साइड पे, यहाँ पे सारा पानी है। तो एक ये तरीका है, अगर आप जाना चाहते हैं मतलब पानी से, तो ये मतलब थोड़ा इजी भी है, सस्ता 15 वाट का ही है और रश नहीं होता, ये सबसे बड़ा फ़ायदा है। अगर आपको ट्रैफिक से बचना है तो पानी में से चले जाएं, ये पूरे बैंकॉक में घूमती हुई है। मैप मेरे बैग में, तो ये है मैप ऐसा, जैसे मैं अभी यहाँ पे ऊपर वाले पे, तो ये पूरे पानी के नीचे ऐसे जाती है। अगर आपको जहीं भी जाना है तो ये सब स्टॉप हैं जो ब्लू कलर के दिख रहे हैं, तो ये ऐसे घूमते हुए पूरे शहर में जाती है, तो काफ़ी इजी है और सस्ती भी है और टाइम भी सेविंग है। बस यही है, अभी हर एक आधे घंटे बाद एक आती है, तो उसके हिसाब से है थोड़ा। पर लेकिन ये अभी आपको अगर शाम को कहीं जाना है तो ट्रैफिक से बचने के लिए ये सबसे अच्छी जगह है, अच्छी ट्रांसपोर्टेशन है। और यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन है दो और हैं, एक जो स्काई लाइन ऊपर से चलने वाली मेट्रो, एक ग्राउंड वाली मेट्रो, तो लगभग पूरे बैंकॉक में ये चलती हैं। और उसका मैंने पास पुस तो ख़रीदा नहीं, क्योंकि जो मेरा हॉस्टल होता था वो नियर बाय होता था सारे, तो बाय वॉकिंग ही जाता था मैं ज़्यादा। तो मेट्रो जब भी ली मैंने आपको बता दिया भी कितने वार्ड लगे या जो भी है। तो अभी फ़िलहाल मैं जाऊँगा वाट अरुण पे, और उसको देखने के बाद स्काई बिल्डिंग देखेंगे, या रेड स्काई बार जाऊंगा या किंग पावर बिल्डिंग है जो सबसे बड़ी है यहाँ पे, तो उसके पास जाऊंगा। तो इधर वाला व्यू देखो भाई, गजब है। अरे हो जा, और देखा पूरा टावर खड़ा पूरा पीछे वाला नज़ारा,
एकदम सुंदर है। यहाँ गर्मी ज़्यादा है चंगमाई से, बट ठीक है, चलता है काम। तो अभी तो वेट कर रहा हूँ, आएगी 5-10 मिनट में, लेके जाएगी, वहाँ तक छोड़ देगी, फिर देखते हैं वहाँ कितने। मेरे हिसाब से 50 बाट है उसकी फ़ीस। तो वैसे ही वो आखिरी मंदिर है, वहाँ का चले गए, देख ही आता हूँ। जाते हुए तो टाइम था अभी उसमें जाने में, मैं क्या क्या करूँगा, तो बेसिकली ये करने लगे, मैं क्या चल पहले मंदिर जा आता हूँ वाट वरुण नाले, और वहाँ से फिर किंग पावर चले जाऊँगा। ठीक है भाई, तो मिलते हैं। और अगर आपको ऑफ ऑन ऑफ ऑफ बस चाहिए तो ये भी ले सकते हैं, इसका पास है 120 बाट का फॉर 1 डे के लिए, पता नहीं 7 डे के लिए, हाँ 7 डे के लिए, 1 डे के लिए 60 बाट का है। तो ये ऐसी है कुछ दिखती, ऑफ ऑन ऑफ ऑफ जैसे बस होती है वैसे ये बोट है। तो कल ये दिखती है कुछ ऐसे, और अरे ठीक है ठीक है, झूला झूलने वाली बात है। इसमें क्या लगा भाई, ये धुआं बहुत छोड़ रही है, ये कुछ ठीक है अकेले बंदे के लिए, फैमिली वाले भी जा रहे हैं भाई। ऐसे लग रहा है कि साहब माड़ा महत्तर बंदा डिग जाएगा 1 मिनट में। तो ये है कुछ ऐसी दिखने में, ठीक है। अब ये टिकट देख तो मैंने वैसे यहाँ से ही लिया है। चलो फिर भी टिकट तो लेनी बनती है भाई। Can I go this? सही, अब पूछना पड़ता है, बाद में पता लगे अंदर नहीं जाने दिया, फायदा नहीं है ना उस चीज का। मोहतरमा जी ने दे दी हमको टिकट, 1 मिनट रुको, टिकट दिखाती हूँ। तो ये टिकट जो हमने ली है अभी अंदर जाने की 50 बाट की। तो भाई साहब टिकट चेक करेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू जी। कफन का आप हो गया उन तक, चित्रकारी हो अद्भुत आ जाएंगे। तो ये है यहाँ की हिस्ट्री, जिसको शौक है वो पढ़े भाई, आम से नहीं पढ़ होती अब कोई भी। और ये है देख लो, कुछ किंग वगैरह के लिए बनाई थी, टेंपल काफ़ी अच्छा बना हुआ है। पहले तो चारों तरफ से घूम आता हूँ मैं, यानी ऊपर भी चढ़ने का कुछ आया था नहीं है लगता है, काफ़ी बड़ा अच्छा है, चित्रकारी है, थोड़ा अनोखा सा है ये वाला, जो अभी तक जितने भी मैं गया ये सबसे अनोखा या लगा मुझे, पता नहीं क्या है, पर फिर भी सही है जो भी है। तो आप चार चपेरे देख लिया जी, ये है एक ही है, ये बने हुए हैं इदा के चार, 1-2-3-4 आ एक एंट्री दे, हाँ सो प्रॉबली अभी चार है, 1-2-3 इधर चार, इदा ही आ जड़े उच्चे जे बने, ये भी चार ने, एक सेंटर च वड्डा सारा बनया है। और देखो जी भाई लोगों, वार्ड
डर रूम टेम्पल, मेरे पीछे ऊपर तक है व्यू सारा यही है, और इधर है थोड़ा सा व्यू देख लीजिए। बाकी मैंने थोड़े कूल जो शॉट लिए हैं वो दिखाई देंगे आपको अभी थोड़ी देर में, और यही है। इसके बाद अब मैं जा रहा हूँ सीधा किंग पावर बिल्डिंग है, जहाँ पे 1030 फीट ऊंची है, तो उससे आपका भाई सनसेट डाउन होता देखेगा और काफ़ी अच्छी ही है। और तो यही था भाई, यहाँ से अब लूँगा मेट्रो, 1 किलोमीटर का रास्ता इस साइड पे वॉकिंग करके जाऊँगा और मेट्रो MRT पे पहुँच जाऊँगा। MRT से सीधा वो बिल्डिंग के बाहर तक जाती है चौंग पाई करके नाम पर, तो मेरे साथ ना 20-25 बाट लगेंगे, जो लगेंगे मैं बता दूंगा, और पहुंच के वहां पे बताता हूं क्या सिस्टम है। ठीक है, चलते हैं।